बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। स्पेसिफिक कीवर्ड है और सिलेक्ट के साथ इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसका प्रयोग हम किस सिचुएशन में कर सकते हैं। एसक्यूएल MySQL जब आप प्रयोग करते हैं तो कई बार हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा रहता है जहां पे हमारे पास एक वैल्यू को कई बार रिपीट किया जाता है। जैसे अगर आप यहां एग्जांपल में देखें तो एक हमारे पास टेबल है जिसका नाम सेल है, और यदि आप डीलर नेम में देखें तो डीलर नेम कई बार रिपीट किया गया है, राम सन्स, श्याम सन्स, आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रहा है नीचे। और यदि प्रोडक्ट नेम देखें तो वो भी रिपीट हो रहा है, शुगर, ऑयल, घी, फिर से शुगर, स्टेट, फिर से स्टेट भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में केवल मैं ये जानना चाहता हूँ अपनी टेबल से कि कौन कौन से प्रोडक्ट में मैं डील करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जानकारी इस प्रोडक्ट नेम से चाहता हूँ, तो इसमें मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए शुगर, ऑयल और घी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सैंपल के लिए छोटा डेटा लिया है। लेकिन जब यह रिकॉर्ड काफ़ी बड़ी संख्या में हो तो हमें मैनुअल करना, तो हमें यहाँ से अलग अलग यूनिक नेम पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में डिस्टिंक्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो हमारे लिए करेक्ट करेगा। इसी बात को मैं स्टेट में भी कह सकता हूँ कि मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ अपने बिजनेस में कौन कौन सी स्टेट से मैंने डीलिंग किया है, तो उस केस में मैं उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम एक बार देखना चाहता हूँ, और इसी तरह से डीलर नेम भी। तो इस तरह से हम अपना डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट इन MySQL नाम से फाइल पहले से जो बना रखी है एक्सरसाइज फाइल्स में, उसको ओपन कर लिया है। और यदि यहाँ देखें तो हमने एक टेबल क्रिएट करना है सेल पहले, उसके पश्चात कुछ डेटा हमें फीड करना है ताकि हम इन्फॉर्मेशन को देख पाएं, और फिर उसके पास कुछ क्वेरीज भी हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं इन तीनों स्टेप्स को। सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेल टेबल को, उसके पश्चात मैं MySQL के इंटरफेस पे जाता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे। अब इस टेबल को पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हमारे पास टेबल का नाम सेल है और एक बिल नंबर है प्राइमरी की के रूप में, डीलर का नाम स्टोर करने वाले हैं हम, प्रोडक्ट नेम है, स्टेट है, टोटल सेल है। मैं गो कर देता हूँ यहाँ से, मेरा टेबल बन चुका है। आप देखें यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करके मैं नई टैब में ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास फील्ड्स आ गए हैं। फिर से इस फाइल पे दोबारा जाता हूँ और अब इनमें रिकॉर्ड्स एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वापस SQL में, और यहाँ से कंट्रोल वी, और अब मैं इसको गो कर देता हूँ। मेरे पास सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई हैं, जो मैंने टेबल बनाया था उसको फिर से अगर मैं ये रिफ्रेश करके देखूँ तो मेरे पास सारा डेटा फीड हो गया है। अब देखें आपके पास यहाँ पे डीलर नेम में एक डीलर कई बार आ रहा है, इसी तरह से प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट कई बार रिपीट हो रहा है, स्टेट में भी ऐसा है, और मुझे इनमें से केवल देखना है कि कौन कौन सा सिंगल रिकॉर्ड मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए स्टेट में किस किस स्टेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे यही लिस्ट दोबारा मिल जाएगी तो मैं गिन नहीं पाऊंगा क्योंकि हरियाणा बार बार यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट देखना चाहूँ तो शुगर भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से मैं बेहतर है क्यों ना डिस्टिंक्ट क्वेरी के साथ इस रिजल्ट को ले लूँ। तो आइए देखते हैं कैसे लेंगे। मैं यहाँ से SQL पे वापस चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इन दोनों क्वेरीज को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से वापस यहाँ इंटरफेस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें सबसे पहली कमांड है सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम सेल। अगर सिंपल इसे लगाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट नेम्स आ जाएंगे लिस्ट में, लेकिन मैं इसको लगा रहा हूँ अब की बार डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ। इसी तरह से सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट फ्रॉम सेल को कर देता हूँ। पहली क्वेरी का आउटपुट देखें आप, शुगर, ऑयल और घी, केवल तीन प्रोडक्ट्स डिफाइन किए हैं इसने मुझे, और यदि आप रोज देखते तो इसमें शुगर कई बार आ रहा था और घी भी कई बार आ रहा था, तो यूनिक वैल्यू उसने मुझे निकाल के दिखा दी है। अगली जो क्वेरी मैंने यूज की है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट फ्रॉम सेल, तो आप देखें तो जो डिफरेंट स्टेट्स जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे यहाँ दे दी है, और केवल एक रिकॉर्ड को एक बार ही शामिल किया है। तो इस तरह के रिजल्ट्स के लिए मैं डिस्टिंक्ट का प्रयोग कर सकता हूँ, और इम्पोर्टेंट टूल रहता है जहाँ पे आपको केवल एक ही वैल्यू एक पूरे फील्ड में से चाहिए होती है। तो इस तरह से इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार डिस्टिंक्ट कीवर्ड का प्रयोग करके हम आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं और यूनिक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं वेयर क्लॉज की। वेयर क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है SQL का। इसको हम अगले सेशन से शुरुआत करेंगे। जब भी आपको रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके देखना है या कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड्स देखने हैं तो उसके लिए वेयर क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। अगले सेशन में हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।